गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको आज संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र वाला काफ़ी हद तक समझा दिया था, जिसमें हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में भी बता दिया था। अब आज के लेक्चर में हम आपको संधारित्रों का संयोजन समझेंगे। आइए देखते हैं। संधारित्र को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, है ना। तो सबसे पहले ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम 10th क्लास में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं ना, बस उसी तरीके से आप मान के चलिए इसको। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन, हाँ जी, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है देखिए। श्रेणी क्रम संयोजन में ये संधारित्र का परिपचन है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। दोबारा सुनिए, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से, द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब जब इसको जोड़ते हैं बैटरी से तो मान लीजिए इस पर धनावेश आता है, प्रेरण द्वारा इस दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर, दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश आ जाता है और बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। ये धनावेश चालक तार द्वारा प्रवाहित, मतलब चालक तार द्वारा चलता हुआ दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर धनावेश आ जाता है और तीसरे की इनर फेस पर ऋणावेश आ जाता है और बाहर पर धनावेश आ जाता है। फिर वो चालक तार द्वारा संचरित होता हुआ तीसरे की पहली प्लेट पर क्या आ जाता है, धनावेश। फिर इस पर ऋणावेश धनावेश आता है जो ऋण की तरह खत्म हो जाता है। दोबारा समझो, देखो पहली प्लेट धन सिरे से जुड़ी हुई है उस पर धनावेश आता है, प्रेरण द्वारा दूसरे की पहली प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है और बाहर वाली प्लेट पर धनावेश आ जाता है। ये धनावेश दूसरी प्लेट को स्थानांतरित होता है तो दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर धनावेश आ जाता है ना, और फिर प्रेरण द्वारा दूसरे की दूसरी प्लेट पर ऋणावेश और बाहर धनावेश आता है, फिर ये धनावेश तीसरे को स्थानांतरित हो जाता है और फिर तीसरे की भीतरी सतह तीसरे की पहली सतह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर ऋणावेश आता है और बाहर वाली पर धनावेश आता है, लेकिन वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कुल मिला के बात ये, इस पूरी व्यवस्था में तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान तो समान होता है, ये पूरी व्यवस्था में तीनों पर जो आवेश है वो बराबर बराबर होता है, लेकिन धारिता अलग अलग होती है। आवेश तीनों में समान है, तीनों संधारित्र पर आवेश क्या है, समान है, बराबर 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 है, तीनों बराबर आवेश देते हैं, लेकिन तीनों में धारिता अलग है। इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता क्या होगी C2 होगी, इसकी धारिता क्या होगी C3। तीनों पर आवेश क्या है, तीनों पर ही आवेश क्यों है? जो है वो क्या है आपके, समान है। तो सब आवेश समान है और धारिता अलग अलग है, तो ऑब्वियस बात है इसका विभवांतर होगा V1 और इसका विभवांतर होगा V2 और इसका विभवांतर होगा V3। भाई आवेश समान है, धारिता अलग अलग है, तो फिर क्या चीज अलग होगी, विभवांतर ना।
क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू सबका समान है। और एक बात ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन जब भी आप पढ़े तो जिस चीज में चेंज होता है उसको निकाला जाता है। जैसे यहां किसमें चेंज है, विभवांतर में ना, तो जिस चीज में परिवर्तन हो उसको निकाला जाता है। आवेश तो समान है, तो इसको ऐसे करेंगे, प्रथम प्रसंधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर, प्रथम संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर, पहले संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, क्यू बराबर सी, तो क्यू तो समान है, तो हमें विभवांतर जो चीज अलग होती है वो निकालनी होती है। तो वी वन बराबर आएगा क्यू अपॉन सी वन, ना कि क्यू वन अपॉन सी वन, वी वन बराबर आएगा क्यू अपॉन सी वन, समीकरण नंबर एक। इसी तरीके से द्वितीय संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर वी टू बराबर क्या आएगा बताओ, Q अपॉन सी टू, फिर तृतीय संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर वी थ्री बराबर क्या आएगा, Q अपॉन सी थ्री, समझ गए भाई। पहले संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर Q अपॉन सी वन, दूसरे के मध्य Q अपॉन सी टू, तीसरे के लिए Q अपॉन सी थ्री, जो चीज डिफरेंट होती है उसको ही निकालते हैं। और विभवांतर एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को तो हम सामान्य योगफल कर सकते हैं, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर v बराबर कितना, v1 प्लस v2 प्लस v3, कुल विभवांतर है ना, समीकरण नंबर चार। तो एक दो तीन से चार में मान रख दो, समीकरण एक दो व तीन से समीकरण चार में मान रखने पर रखो v बराबर क्यू बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, v अपॉन q बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, समीकरण नंबर पांच। मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन में, मान लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रभावी धारिता है, श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता वो सी एस है। माना श्रेणी क्रम संयोजन में, माना श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सी एस है, कितनी है सी एस, तो क्यू बराबर सी भी होता है, क्यू बराबर सी एस भी, तो दिस इंप्लाई वन अपॉन सी एस बराबर हो जाएगा बी अपॉन क्यू, समीकरण नंबर छह। छह और पांच की तुलना कर दो, समीकरण पांच व छह की तुलना करने पर क्या आएगा हमें बताओ, वन अपॉन सी एस बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, समीकरण नंबर सात। ये है सर, जब हम तुलना कर देंगे तो प्रभावी जो धारिता आएगी वो सभी धारिताओं के, सभी जितनी भी धारिता है उन सब धारिताओं के योगफल के बराबर आएगी, वन अपॉन सी एस बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ऐसा प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम में होता है, जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन निकाल देते ना
तो 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री आता है। और यहां श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन के लिए ऐसा है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिए, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। चलिए अभी तो आपने सिर्फ तीन ही संधारित्र जोड़े थे, संधारित्र की संख्या तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि n संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 एंड सो ऑन CN हो, परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो, यदि n संधारित्र जिनकी धारिता कितनी होता C1, C2, C3 एंड सो ऑन CN परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो क्या आएगा बताओ? 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन 1 अपॉन CN। अब यहां हम आपको तीन विशेष स्थितियां कराएंगे, स्पेशल कंडीशन तीन। तो पहले नंबर के देखो, विशेष स्थिति सबसे पहले नंबर की, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर एंड सो ऑन CN बराबर हो C, तो क्या आएगा? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C एंड सो ऑन 1 अपॉन C। तो 1 अपॉन CS बराबर क्या आएगा? n अपॉन C CLCM आ जाएगा 1111 कहां तक चलेगा? n तक। और CS बराबर क्या आया? C अपॉन। कुल मिला के बात यह कि अगर आप श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ देंगे तो जो प्रभावी धारिता है वो कम हो जाती है, आपकी जो प्रभावी धारिता निकलेगी वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे दूसरा देखो, दूसरी विशेष स्थिति क्या है? दूसरी विशेष स्थिति है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान है। आवेश नहीं बदलता, हाँ विभवांतर जरूर बदलेगा लेकिन आवेश के बारे में कभी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये दो हैं। एक और विशेष स्थिति का आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। ठीक है, देखिए अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र हो, तीसरी विशेष स्थिति है, देखिए जैसे आपका ये समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र में तीन परावैद्युत माध्यम भर दें, किस तरह से? जिस तरह से मैं आपको चित्र बना के दे रहा हूं, चित्र अनुसार अगर आप तीन परावैद्युत माध्यमों को भर दें, देखिए ये फर्स्ट
सेकेंड इस तरह से अगर आप इसको भर दें, ठीक है, जैसे ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, इसका परावर्तनांक है एप्सिलॉन आर वन, इसका है एप्सिलॉन आर टू, इसका है एप्सिलॉन आर थ्री, इसकी मोटाई है टी वन, इसकी टी टू, इसकी टी थ्री, इस पर धनावेश आता है, और इस पर ऋणावेश आता है। मतलब जो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की जो दूरी होती है, प्लेटों के बीच की दूरी, वो स्मॉल डी ही है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया है, पर आपने क्या है, तीन अलग अलग माध्यम भर दिए, तीन भिन्न भिन्न परावर्तक वाले माध्यम आपने इसके अंदर भर दिए, है ना। अगर तीन परावर्तक वाले माध्यम आपने इसके अंदर भर दिए, तो इस तरह के संयोजन में आप एक बात देखिएगा कि किसी भी प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बदल रहा, जो परावैद्युत माध्यम है उसमें क्षेत्रफल नहीं बदल रहा। हाँ, बीच की दूरी में जरूर परिवर्तन है, पर क्षेत्रफल तो नहीं बदल रहा। तो इस तरह का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन बनाया, यानी इस डायग्राम को इस तरह से भी बताया जा सकता है। इस तरह से भी इसको बताया जा सकता है। इसका परावर्तनांक एप्सिलॉन आर वन, एप्सिलॉन आर टू और एप्सिलॉन आर थ्री, इसकी मोटाई टी वन, इसकी मोटाई टी टू, इसकी मोटाई टी थ्री, ऐसे बताया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे सी वन पूछूं तो सी वन बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे सर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन अपॉन टी वन। आपसे सी टू पूछूं तो आप कहेंगे सर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू अपॉन टी टू। सी थ्री बराबर क्या आएगा बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थ्री अपॉन टी थ्री। तो वन अपॉन सी एस बराबर क्या है, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो वन अपॉन सी एस बराबर ऊपर ले जाओ टी वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थ्री, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वन अपॉन सी एस बराबर क्या आएगा, वन अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस टी थ्री अपॉन एप्सिलॉन आर थ्री, ऐसे लिखा जा सकता है। और सी एस बराबर सही तरीके से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 upon epsilon R1, T2 upon epsilon R2 और T3 upon epsilon R3। इस तरह का संयोजन भी बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन माना जाता है, है ना। थोड़ा सा ये लीक से हटकर है, लीक से हटकर मतलब वो पारंपरिक तरीका नहीं रहा इसका कि साथ एक प्लेट दूसरे से जोड़ दे, दूसरी प्लेट तीसरे से जोड़ दे। अब अगर ऐसा कोई डायग्राम आ जाए बुक में, है ऐसे क्वेश्चन बुक में, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब इस तरह का डायग्राम आ जाए तो पहचानना आना चाहिए कि भाई इस तरह का संयोजन भी हम क्या मान के चल सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन मान के चल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सर ने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि सी वन में पहली प्लेट उससे जोड़ो, पहले की दूसरी उससे जोड़ो, ऐसा भी संयोजन आपका श्रेणी क्रम संयोजन माना जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने श्रेणी क्रम क्यों माना, देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल थोड़ी बदला है, जब प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं बदला तो प्रेरण द्वारा इन सब पर जो आवेश आएगा वो तो समान आएगा भाई। जब आवेश ही नहीं बदला तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश थोड़ी बदलता है, तो आवेश जो आ रहा है हर एक प्लेट पर वो समान आएगा। तो जब आवेश नहीं परिवर्तित होगा तो फिर क्या होगा, तो प्लेटों का क्षेत्रफल आवेश कभी परिवर्तित नहीं होगा, तो अब उसमें आवेश हमेशा चेंज रहेगा, ठीक है। और बाकियों के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये इसकी व्यवस्था है। तो सी एस बराबर ए एप्सिलॉन नॉट टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, ये पूरी इसके सॉल्यूशन इसका है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब रहता है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम आपको कल के लेक्चर में समझाएंगे, क्योंकि बड़ा है समांतर क्रम संयोजन, इसी तरीके से समांतर क्रम संयोजन भी होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।